हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल अंकित मल्होत्रा व्लॉग्स पर। और आज हम आप लोगों को एक नए जगह पर ले चलते हैं जो कि प्यार की निशानी है। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं आज एक जगह गहलोर की जो कि गया में है। और वो गहलोर इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ के एक प्रोत पुरुष बोले जाते हैं जो कि दशरथ मांझी जी हैं। वो दशरथ मांझी जो कि 360 फीट लंबे पहाड़ को एक छोटे से हथौड़ी और छेनी से तोड़ दिया था, वही दशरथ मांझी जिन्होंने 50 किलोमीटर की दूरी जो कि अतरी से है, वजीरगंज एक जगह है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है 50 किलोमीटर पहले था, जो पहाड़ के तोड़ने के बाद जो रास्ता बना है वो महज 15 किलोमीटर की दूरी बच चुकी है। आपको बता दें कि दशरथ मांझी जो कि पर्वत पुरुष है, उनका जन्म 14 जनवरी 1934 को गहलोर एक छोटा सा गाँव है और गया ज़िला में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। वो धनबाद में कोल माइंस में जॉब करते थे। वो धनबाद से आकर गांव में ही खेती करते थे। और घटना 1959 की है जब उनकी पत्नी खाना लेकर पहाड़ से, जब वो खेती करते थे तो खेत में जा रही थी, पहाड़ से पैर फिसलने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब घायल हो गई। और हॉस्पिटल उनके गाँव से करीबन 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। हॉस्पिटल के लिए लोग जाने लगे लेकिन रास्ते में ही उनकी पत्नी जो है फागुनी देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जोश जज्बा जुनून दशरथ मांझी को रास नहीं आई, उन्होंने छेनी और हथौड़े उठाया और एक लंबे पहाड़ को जो कि 360 फीट लंबा था उसे तोड़ने की जिद ठान ली। और वो लगे और पहाड़ को तोड़कर ही माने, उनका एक डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो लगातार कोशिश में लगे रहे और पहाड़ को तोड़कर ही माने। अभी वो रोड बन गया क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी बच रही है। अभी कहते हैं ना कि प्यार में बहुत ताकत होती है, तो वो साबित करके इन्होंने दिखा दिया। एक छोटे से हथौड़ी और छेनी से मांझी साहब 22 साल लगे रहे और आखिरकार उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिखाया और पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया जो कि आज गाँव वालों के लिए बहुत ही सुविधा पड़ता है कहीं भी जाने के लिए, वजीरगंज जाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।